सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय पेट्स एंड फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है मेरी व्लॉगिंग चैनल से रिलेटेड। गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मेरी एक व्लॉगिंग चैनल भी मैंने क्रिएट किया है कुछ दिन पहले ही, तो गाइस उस चैनल पर अगर आप लोग अभी तक जाके चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लेना बंगाली लाइफस्टाइल विथ मेघा, क्योंकि मेरे लाइफ में इन फ्यूचर बहुत कुछ न्यू आने वाली है। उसका अपडेट अगर आप लोग जानना चाहते हो, मेरी जो भी डेली लाइफस्टाइल होती है, मेरी पेट्स की अपडेट, मेरी जो भी प्लान्स वगैरह है, सब कुछ की अगर अपडेट आप लोगों को जानना है तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग मेरी जो व्लॉगिंग चैनल है बंगाली लाइफस्टाइल विद मेघा ज़रूर चेकआउट करना, सब्सक्राइब करके रखना। और गाइज, आप कह सकते हो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो ड्रीम थी, मेरी खुद के घर, यानी कि इन फ्यूचर शादी के बाद में जहाँ रहने वाली हूँ, मेरी ड्रीम कम ट्रू जो जगह है। हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ सपने देखे हैं मेरे फियांसे के साथ। खैर, इस चैनल पे मैं उतना कुछ मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि एक पेट्स रिलेटेड चैनल है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम उसी जगह पे मैं जाने वाली हूँ, तो उसका व्लॉग अगर आप लोगों को देखना है तो ज़रूर मेरी बंगाली लाइफस्टाइल विद मेघा चैनल पे जाके चेकआउट करना। शायद ये वीडियो जाने के बाद में कुछ देर बाद ही मैं उस चैनल पे भी मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, मैं कहाँ पर गई थी, वो जगह कौन सी है, सब कुछ मैं शेयर करूँगी, जो कि हमारे नया घर है जो कि बन रही है, ड्रीम कम ट्रू, हमारी जो सपने थे वो सच हो रही है आप कह सकते हो। तो जो भी हो गाइस, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आप लोगों की तरफ से मुझे ना बहुत सारे ऐसे सिमिलर कमेंट्स आते हैं, तो सबको अलग अलग से जाके रिप्लाई करना ना मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाती है। एक जन, दो जन, चार जन को मैं रिप्लाई कर पाती हूँ, लेकिन सेम क्वेश्चन में कितने सबको मैं रिप्लाई करूँ आप लोग भी समझ सकते हो। तो मुझे लगा चलो मैं जाने से पहले ये वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करके फिर मैं जाऊँगी। तो जो भी हो, आज मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन के आंसर शेयर करने वाली हूँ। वो है, आप लोग मुझे क्वेश्चन करते हो कि आप कौन सी हेयर यूज़ करते हो, कहाँ से परचेज करते हो, कितने पैसे लगते हैं ख़रीदने में, मुझे भी रैबिट लेनी है तो मुझे आइडिया चाहिए, या फिर उसके साथ साथ आप कौन सी ग्रास देते हो अपने रैबिट्स को, या फिर डाइट में क्या देते हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं छोटी सी वीडियो के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो जगह है ना, बिल्कुल ग्रीनरी है। तो मेरी रैबिट्स जब से आई है, मतलब मेरी बनी फर्स्ट रैबिट जब मेरे पास आए थे, तभी से लेके चार साल पहले से मेरे नानी घर के इधर से ही मैं ग्रास लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रीनरी जगह है, इधर पे ग्रास की कोई कमी नहीं है। तो मैं हमेशा कहीं से भी परचेज नहीं करती हूँ, मैं जो नॉर्मली दुब्बो ग्रास होती है ना, वो दुब्बो ग्रास ही मेरी रैबिट्स के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। एंड वो ही दुब्बो ग्रास को मैं धूप में सुखाने के बाद, 3 से 4 दिन 5 दिन जितना भी टाइम लगे सुखाने के लिए, वो सुखाने के बाद में इतने बड़े मेरे पास एक बकेट है, उस बकेट के अंदर मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो वो ही मैं मेरी रैबिट के लिए डेली जो अनलिमिटेड खाते हैं मेरी रैबिट्स, वो ही खाते हैं, ग्रास एंड है। ऑनलाइन से मुझे कब परचेज करनी पड़ती है, जब आप लोग समझ लीजिए दुर्गा पूजा के टाइम हो, पूरे जगह पे पंडाल बनी हुई है, हम ग्रास नहीं ले सकते या फिर कुछ नहीं ले सकते, उस टाइम पे मुझे ऑनलाइन साल में 1 से 2 बार मुझे परचेज करनी पड़ती है, ऑनलाइन ख़रीदनी पड़ती है। अदरवाइज़ पूरा टाइम जो है पूरे साल में मैं इधर से ही है एंड ग्रास की बंदोबस्त मेरे रैबिट के लिए मैं कर देती हूँ। तो अनलिमिटेड तो खाते हैं, एंड उसके साथ मुझे क्या परचेज करनी पड़ती है, मुझे ग्रीन लीव्स परचेज करनी पड़ती है जो कि मेरी रैबिट्स को मैं देती ही देती हूँ। वो है वाटर स्पिनेच, आप लोगों को मैंने बहुत बार वीडियो में दिखाई है, उसके अंदर में बहुत भरपूर मात्रा में पानी होती है। तो रैबिट्स की बॉडी के अंदर जो भी पानी की कमी रहते हैं, या फिर रेड यूरिन करते हैं रैबिट्स पानी कम खाने की वजह से, पीने की वजह से सॉरी, तो तो इसीलिए मैं रैबिट्स को मेरी वाटर स्पिनेच देती हूँ। एंड और एक चीज़ गाइस, अगर आप लोगों के पास कांटे वाली ग्रास हो, आप सोच रहे हो कि वो दे देंगे, बिल्कुल नहीं, मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी मैं कौन सी ग्रास देती हूँ, दुब्बो ग्रास जिसको कहते हैं, आप लोग गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो, मैं भी पिक्चर शेयर कर दूंगी। तो दुब्बो ग्रास ही आप देना, कांटे वाली ग्रास वगैरह वो सब बिल्कुल भी नहीं, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन ही परचेज करके दे सकते हो।
और उसके साथ मैं वाटर स्पिनिच देती हूँ ताकि पानी की भरपूर मात्रा रैबिट्स के बॉडी में मौजूद रहे, कुछ भी दिक्कत ना आए यूरिन वगैरह में, तो वो तो हो गई। और उसके साथ में एज अ ट्रीट कभी कभार फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में वो मैं देती हूँ। बस यही होती है मेरी रैबिट की डाइट। और पानी तो हमेशा बोल में रहती रहती है, तो मुझे ऐसा कुछ ग्रास एंड हे मुझे खरीदनी नहीं पड़ती है। मैं बस सिर्फ और सिर्फ मुझे 20 रुपये या फिर 25-30 रुपये की मुझे मेरे पास 6 रैबिट है, इसलिए मुझे वाटर स्पिनिच खरीदनी पड़ती है और मुझे कुछ भी नहीं खरीदनी पड़ती है। तो बस यही थे, मुझे आप लोगों ने बहुत कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, कोई बोल रहे थे कौन सी है, कोई बोल रहे थे कितने पैसे लगते हैं, कोई बोलते क्या डाइट देती हूँ, तो एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ आप लोगों को मिल गई है आंसर। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिले होंगे, और अगर कुछ भी पसंद आए इस वीडियो में लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय गाइज़।